नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का दूसरा चरण अब से कुछ ही दिनों में शुरू होने को है। आईपीएल 2021 के सेकंड फेज को लेकर सभी टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। हर एक टीम खिताब जीतने के लिए उत्सुक है और उसके लिए जमकर तैयारियां भी जारी है। अब एक तरफ जहां आईपीएल 2021 की तैयारियां मैदान पर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदान के बाहर टूर्नामेंट को लेकर भविष्यवाणियों का भी दौर जारी है। हर कोई अपनी अपनी तरफ से अपनी राय दे रहा, साथ ही टूर्नामेंट को लेकर भविष्यवाणी कर रहा। इसी कड़ी में टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने भी भविष्यवाणी की। आकाश चोपड़ा ने बताया है कि उनके हिसाब से कौन सी दो टीम इस बार आईपीएल टाइटल का खिताबी मैच खेले। दरअसल आईपीएल सीजन 14 का दूसरा चरण यूएई में 19 सितंबर से खेला जाना है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का पहला मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा के मुताबिक आईपीएल 2021 का फाइनल मैच भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। आकाश चोपड़ा ने मौजूदा समय में पॉइंट्स टेबल में टॉप पर और नंबर 3 पर रहने वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में से किसी को भी फाइनलिस्ट टीम के तौर पर नहीं चुना है। आपको बता दें कि जब सोशल मीडिया पर आकाश चोपड़ा से उनके एक फैन ने पूछा कि इस बार आईपीएल का खिताब कौन जीतेगा, तो इसके जवाब में आकाश चोपड़ा ने मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का नाम लेते हुए कहा कि इस बार ये दोनों टीमें फाइनल मैच खेलेंगी। बता दें आईपीएल 2021 का फाइनल मैच 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। फाइनल मैच दुबई में खेला जाना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।